हेलो एंड वेलकम टू खान सिस्टर्स ब्यूटी ब्लॉग। खान सिस्टर्स ब्यूटी ब्लॉग आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसी वीडियो जो आपके बालों के लिए उपयोगी है। बालों में कई तरह की परेशानियों से जूझने वाले लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। हर परेशानी के बालों की एकमात्र ही सॉल्यूशन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये वीडियो जो है ये एक सीक्रेट रेसिपी आपको बताएगा बालों के लिए जो आपके बाल घने मजबूत और चमकदार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है मेथी। मेथी जो है बालों के लिए बहुत ही आवश्यक बहुत ही उपयोगी यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स है। मेथी में दोस्तों विटामिन ए के एंड सी एंड आयरन पाया जाता है जो बालों की हेयर ग्रोथ के लिए और बालों को मजबूत बनाने के लिए तथा इसे शाइनी बनाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। इसको रात भर हमें मेथी को भिगा के रखना है। रात भर भिगोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में मेथी की तासीर जो है वो गर्म मानी जाती है और अगर हम तासीर की चीज़ अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो उससे बाल कमज़ोर होने का डर रहता है। इसीलिए हम इसे रात भर भिगा के ज़रूर रखेंगे। ओवरनाइट हम इसे सोक्ड करके रखेंगे, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने बालों में। किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे ये हम आपको बताते चलेंगे इसी वीडियो में। तो मेथी के इन दानों को अच्छे से भिगो के जब ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं एक ही रात भिगोने के बाद, इसके बाद हम इसे मिक्सर में डाल के इसे ग्राइंड करके बारीक पीस लेंगे। इसका एक पेस्ट बना लेंगे स्मूथ सा। उस पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप डिपेंड करिएगा कि वो बालों में अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। इसके बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो है विटामिन ई। इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं डालनी है, सिर्फ इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल आप ऐड कर सकते हैं। कैप्सूल आप दो भी डाल सकते हैं, वो आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप एक ही डालिए, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इसमें दो कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। कैप्सूल को ऐड करने के बाद आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसको बालों पे अप्लाई करेंगे। आधे घंटे के बाद इसको सूख देने के बाद आप इसको हटाएंगे। मेक श्योर कि आपके बाल जो हैं वो वॉश होने चाहिए, धुले होने चाहिए। साफ़ बालों पे आप इस ये मिक्सचर को अप्लाई कीजिए, तभी ये वर्क करेगा। अगर आपके ऑयली हेयर हुए तो ये इस पर वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आप जानिए कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, अगर आपके बाल टूट रहे हैं जड़ से, या फिर आपके बाल बहुत ही हल्के हैं, तो आपको ये मेथी वाला नुस्खा यूज़ करना है, अपनाना है उसको। इस नुस्खे को आप वीक में एक बार यूज़ करिए। आप अपने बालों पे ये पेस्ट अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप देखिए इसका रिजल्ट्स एक 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 बार यूज़ करने में ही आपको दिख जाएगा।